जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेयर ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग गोलिया दर्पण से परावर्तन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग समतल दर्पण से परावर्तन पढ़े, ठीक है, तो आज हम गोलिया दर्पण से परावर्तन पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल समझेंगे किस तरह से होता है। चलिए देखते हैं। यह अवतल, अवतल क्यों है? क्योंकि जिधर से हम लोग मुँह देखेंगे वो धंसा हुआ है, ये हुआ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये हुआ वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्यों हुआ? जब इसको डॉट 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 कट करके इसके जब पूरा को गोला बनाएंगे तो इस गोला का जो केंद्र होगा वही इसका केंद्र होता है, वक्रता केंद्र। इसी को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये हुआ ध्रुव, जिसको पोल कहा जाता है, इसलिए पी से यहाँ दिखाया जाता है। और ध्रुव, पोल और सी यानी वक्रता केंद्र के ठीक बीच में एफ होता है, जिसको कहा जाता है फोकस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहा जाता है क्या? फोकस दूरी, ठीक है। तो अब समझते हैं कि जब हम लाइट डालेंगे, जब प्रकाश हम डालेंगे तो किस तरह से परावर्तन होगा, किधर से जाएगा, ठीक है, देखते हैं। पहला केस है जब हम मुख अक्ष के समांतर, समांतर मतलब क्या, रेल की पटरी जैसा, समांतर मतलब रेल की पटरी जैसा, ये मान चलिए रेल की पटरी, इसी समांतर जो कहीं नहीं मिले, जब मुख अक्ष के समांतर हम टॉर्च जलाएंगे इस पर ऐसे, तो ऐसे करके इधर से निकल जाएगा, फोकस से होकर निकल जाएगा। जब ऐसे करके टॉर्च जलाएंगे, ब्लैक वाला टॉर्च जलाने वाला, जब इधर से टॉर्च जलाएंगे, इधर दर्पण है ये अवतल दर्पण, जब यहाँ से टॉर्च जलाएंगे यहाँ आएगा, जब इसको टकरा कर इधर से टकरा करके फोकस से होकर गुजर जाएगा। यानी नियम क्या है, जब मुख अक्ष ये हुआ जो सेंटर फोकस और पोल से होकर गुजरता है उसको मुख अक्ष कहा जाता है। जब इसको यहाँ टॉर्च जलाएंगे मुख अक्ष के समांतर ऐसे, तो ये टकरा करके यहाँ से गुजरेगा फोकस से होकर। फिर उसी प्रकार नीचे से भी कहीं से भी समांतर, अगर मुख अक्ष के समांतर है, अगर टॉर्च जलाते हैं तो फोकस से वो होकर गुजरेगा। जैसे या अब नीचा से भी जलाते हैं, ऐसे गया तो ये टकरा कर ऐसे मुड़ गया, फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। ये तो हुआ अवतल दर्पण के बारे में। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण किसको कहा जाता है? जिधर से मुँह देखते हैं उधर उठा हुआ भाग है तो उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण भी पोल होता है, फोकस होता है, सेंटर होता है, सेम इसी प्रकार, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों होता है पॉजिटिव? क्योंकि हम बता दिए थे दाहिना साइड होता है इसलिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। पोल से दाहिना साइड होता है इसलिए होता है पॉजिटिव, ठीक है। और इधर इसका निगेटिव होता है। क्यों होता है निगेटिव? क्योंकि ध्रुव से बायां साइड, ध्रुव मतलब पोल, पोल से बायां साइड है इसलिए है निगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जब मुख अक्ष के समांतर रेखा आ गया तो किधर से जाएगा। ऐसे आया मुख अक्ष के समांतर तो टकरा करके ये ऐसे गुजर गया। जब हम इसको डॉट 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 करेंगे तो ये फोकस से आते हुए दिखेगा। एक्चुअली ये आ नहीं रहा है क्योंकि ये दर्पण है, इधर से इधर थोड़े रेखा हुआ, लेकिन इधर से जब जा रहा है तो हम डॉट 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 करके आभासी एक रेखा खींच सकते हैं जो फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम नीचा से अब डालते हैं तो ऐसे करके टकराएगा और ऐसे करके मुड़ जाएगा, जिसको हम पीछे अगर डॉट 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 करके दिखाएंगे तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। दूसरा केस समझते, दूसरा केस जस्ट इसका उल्टा है, दूसरा केस जस्ट इसका उल्टा है। फोकस से जब गुजारेंगे तब किधर से जाएगा? इधर तो मुख अक्ष के समांतर था तो फोकस निकल जाता था, यहाँ फोकस से जलाएंगे तब किधर से जाएगा वो देखते हैं। देखिए ये हुआ फोकस, फोकस से जा रहा है, फोकस से जाएगा तो ये टकरा करके मुख अक्ष के समांतर निकलेगा। ऐसे गया, यहाँ टकराएगा और इधर से मुख अक्ष के समांतर निकल गया। फिर दूसरे का रेखा देखते हैं, जब ऐसे फोकस के द्वारा आया, यहाँ आया दर्पण पर टकराया, फिर ऐसे लौट गया मुख अक्ष के समांतर, इसका जस्ट उल्टा। देखिए यहाँ मुख अक्ष के समांतर आ रहा था तो फोकस से निकल रहा था, यहाँ जब फोकस से जा रहा तो मुख अक्ष के
समांतर जा रहा है, ठीक है, लौट कर यानी परावर्तित होकर फूक मुख अक्ष के समांतर निकल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे होता है, जैसे अगर हम फोकस की ओर मुंह करके डालें, फोकस की ओर डालें, यहाँ तक देखिए डॉट 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 करके अंदर जा सकता है। अगर फोकस की ओर हम डालें, टॉर्च जलाएं, तो क्या होगा, ऐसे करके टॉर्च अगर हम जलाते हैं तो ऐसे यहाँ जाएगा और टकरा करके मुख अक्ष के समांतर लौट जाएगा, ठीक है। फिर इधर भी फोकस की दिशा में टॉर्च जलाएं, यहाँ फोकस, फोकस पर हम टॉर्च जलाएं, इधर तो आएगा नहीं, इसलिए डॉट 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 करके लाइन दिया गया, क्या यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। ऐसे हम टॉर्च अगर जलाते हैं फोकस की ओर, तो ऐसे आएगा, टकराया और ऐसे लौट गया, यानी मुख अक्ष के समांतर लौट गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम फोकस से होकर टॉर्च जलाते हैं यानी प्रकाश की किरण डालते हैं, तो मुख फोकस से होकर, जब हम फोकस से होकर डालते हैं प्रकाश की किरण, तो मुख अक्ष के समांतर लौट जाता है। जब मुख अक्ष के समांतर डालते हैं तो फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। तब आगे केस पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वक्रता केंद्र से जब टॉर्च जलाएंगे दर्पण पर, तब किधर से होकर परावर्तित होगा, ठीक है। जब हम वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश जलाते हैं, जब हम वक्रता केंद्र से प्रकाश जलाते हैं दर्पण पर, ऐसे टॉर्च जलाएंगे, ऐसे वक्रता केंद्र से होते हुए टॉर्च जलाएंगे दर्पण पर, तो इसी पर ही लौट जाएगा। जिस तरह समतल दर्पण में होता था, 90 डिग्री पर जब टॉर्च जलाते थे लंब पर, खंभा पर, तो लौट जाता था इसी पर, वही वाला नियम यहाँ लागू होता है। जब वक्रता केंद्र से हम टॉर्च जलाते हैं दर्पण पर, तो इसी पर लौट जाता है, ठीक है। यहाँ भी वही होता है, यहाँ भी वही नियम लागू होता है सेम। जब हम वक्रता केंद्र की ओर टॉर्च जलाएंगे उत्तल दर्पण में भी, वक्रता केंद्र की ओर टॉर्च जलाएंगे, तो इधर से लौट जाएगा, ये इसी रेखा पर लौट जाएगा। जैसे समतल दर्पण में होता था कि लंब पर जलाते थे तो लौट जाता था, लंब पर ऐसे टॉर्च जलाते थे और लौट जाता था, ठीक है। वही वाला नियम यहाँ फॉलो होता है, जब वक्रता केंद्र की ओर टॉर्च हम जलाएंगे दर्पण पर, तो उसी पर लौट जाएगा, ठीक है, इधर उधर परावर्तित नहीं होगा, ठीक है, परावर्तित होकर इसी पर लौट जाएगा। अब अगला देखते हैं, जब ध्रुव की ओर हम जलाएंगे टॉर्च, तब किधर से गुजरेगा। जब हम ध्रुव की ओर टॉर्च जलाएंगे ऐसे करके इतना एंगल पर, तो जितना कोण पर ही जलाएंगे उतने कोण पर लौट जाएगा, ठीक है। जितना कोण पर हम जलाएंगे, जितना एंगल यहाँ बनेगा, उतने एंगल पर यहाँ भी लौट जाएगा, ठीक है, परावर्तित हो जाएगा। जैसे समतल दर्पण में होता था ना, उसी प्रकार यहाँ होगा। समतल दर्पण में आई इजकल टू आर होता था, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता था, वही यहाँ नियम होगा। जितना आपतन कोण रहेगा उतने परावर्तन कोण पर ही लौट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये दोनों नियम समतल दर्पण वाला फॉलो करता है, ये वाला भी जब वहाँ लंब पर डालते थे तो लंबे पर लौट जाता था, यहाँ भी जब सेंटर पर डालेंगे तो सेंटर पर लौट जाएगा, उसी रेखा पर लौट जाएगा। यहाँ भी जब हम पोल पर डालेंगे यानी ध्रुव पर जब टॉर्च जलाएंगे, तो जितना कोण इधर बनाएगा उतने कोण बनाकर इधर से लौट जाएगा, ठीक है। अब मान चलिए जब हम थोड़ा इसको अलग जगह डालते हैं, मान चलिए यहाँ डालेंगे, मेरा मन किया यहाँ डालने टॉर्च, टॉर्च यहाँ प्रकाश जलाएंगे, टॉर्च यहाँ प्रकाश जब जलाएंगे, तो यहाँ भी जितना एंगल यहाँ बनाएगा, जितना कोण यहाँ बनाएगा आई, उतने कोण यहाँ आड़ बनाकर लौट जाएगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा और उतने कोण बनाकर यहाँ लौट जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपतन कोण, ये हुआ परावर्तन, बीच में डॉट 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 करके एक रेखा डाल दी इसके समांतर, मुख अक्ष के समांतर, इसको लंब कह सकते हैं गोलिया दर्पण पर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी नियम होता है, यहाँ टॉर्च जलाएंगे पोल पर, जितना यहाँ एंगल बनेगा, जितना कोण यहाँ बनेगा आई, परावर्तित कोण आर, ती दोनों कोण बराबर होगा, आई जितना होगा उतने आर होगा, मान चलिए आई 30 होगा तो आर भी 30 होगा, ठीक है। इस जितना एंगल पर इधर से हम टॉर्च जलाएंगे उतने एंगल पर इधर से ही लौट जाएगा, उतने कोण पर इधर से ही लौट जाएगा,
ठीक है, कोई दिक्कत? मन हुआ मेरा यहाँ टॉर्च जलाने का, जब यहाँ हम टॉर्च जलाएंगे ऐसे करके तो इधर से लौट जाएगा, जितना कोन यहाँ होगा आई उतने आड़ यहाँ होगा। ठीक है, मान चलिए आई यहाँ 30 डिग्री हुआ तो आड़ भी 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री पर मान चलिए हम टॉर्च जलाएं यहाँ, तो 30 डिग्री पर उधर से लौट जाएगा, जिसको परावर्तित कर सकते हैं, परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? मुख अक्ष के समांतर खींचा गया एक रेखा है, ठीक है, जिसको अभिलंब हम कह सकते हैं। अभिलंब मतलब नापने के लिए, जैसे समतल दर्पण में खंभा होता था। ठीक है, कोई दिक्कत? थ्योरेटिकल मज़ा नहीं आया, चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं, तब मज़ा आएगा। प्रैक्टिकल कैसे क्या होता है उसको देखते हैं। हम उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे यह किस प्रकार काम करता है। यह अवतल दर्पण है क्योंकि इसका परावर्तक सतह धसा हुआ है, यानी जिधर से हम लोग मुँह देखेंगे वो धसा हुआ भाग है। अब हम देखेंगे प्रकाश डालने पर क्या क्या होता है। देखिए, जब हम अवतल दर्पण पर प्रकाश डालते हैं तो सभी प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती है, यह वही बिंदु है जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। इसका मतलब है जब हम प्रकाश किरण को मुख अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर डालते हैं तो यह सभी किरणें परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब यही एक्सपेरिमेंट उत्तल दर्पण के साथ करके देखते हैं। यह उत्तल दर्पण है क्योंकि इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, यानी जिधर से हम लोग मुंह देखेंगे उधर से यह उठा हुआ है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। देखिए, जब हम उत्तल दर्पण पर प्रकाश डालते हैं तो सभी किरणें दर्पण से टकराकर फैल जाता है, यहाँ कोई भी किरण इधर उधर नहीं गुजरती है बल्कि फैल जाती है। ध्यान से देखिए, यहाँ सभी किरणें टकराने के बाद फैल जाती हैं। अभी अपना लोग ने एक्सपेरिमेंट देखा, एक्सपेरिमेंट में देखा क्या, अवतल दर्पण जो होता है सभी आते हुए प्रकाश की किरणों को, समांतर प्रकाश की किरणों को फोकस पर एक जगह जमा कर देता था, फोकस पर एक जगह इकट्ठा कर देता था, और उत्तल दर्पण क्या करता था, समांतर आते जो समांतर किरण पुंज आते थे, यानी समांतर मुख अक्ष के समांतर ऐसे, उसको क्या करता था, फैला देता था चारों तरफ। ठीक है, अपना लोग अभी एक्सपेरिमेंट में देखें, थ्योरेटिकल थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब मुख अक्ष के समांतर सब आता है प्रकाश, यानी जब इधर से सीधे टॉर्च जलाएंगे तो ये ऐसे करके एक बिंदु पर मोड़ देता है, जिसको फोकस कहा जाता है। फोकस पर ये एक बिंदु पर मोड़ देता है, यानी जितना इधर से प्रकाश आएगा सब एक बिंदु पर यहाँ आ जाएगा, मोड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग सौर कुकर में भी किया जाता है। सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, क्यों? क्योंकि ऐसे लगा दिया जाता है, अवतल दर्पण को ऐसे लगा दिया जाता है और फोकस जहाँ होता है फोकस पर कुकर रख दिया जाता है। सूर्य का जितना भी प्रकाश आता है वो सब ट्रांसफर होकर एकत्रित हो जाता है फोकस पर, जहाँ रहता है कुकर, यानी कुकर पर पूरा सूर्य का प्रकाश पड़ता है जिससे खाना पक जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंट आप फनी तरीके से दोस्तों के साथ कर सकते हैं। क्यों? जैसे कोई धूप में खड़ा है या कहीं भी खड़ा है, तो आप धूप में जाइए, उसको इस तरीके से अवतल दर्पण को पकड़िए कि उसका जो अवतल दर्पण का फोकस है उसके शर्ट या पैंट पर पड़ जाए, यानी उसका सूर्य का पूरा प्रकाश उसके पैंट या शर्ट पर केंद्रित हो जाएगा और वहाँ जलने लगेगा, छेद हो जाएगा। ठीक है, आग पकड़ लेगा, ऐसा मतलब डेंजर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फनी तरीके से आप लोग कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ। यहाँ भी वही नियम है, जब समांतर किरण पुंज आता है, जब जिसे कि इधर से हम टॉर्च जला रहे हैं, क्या होगा, ये सिकुड़ाता नहीं है, ये फैलाता है, ये सिकुड़ देता था एक जगह पर, इकट्ठा कर देता था, ये क्या करता है चारों तरफ फैला देता है, और ये जमा नहीं करता है, पूरा फैला देता है, इसलिए इसको कहा जाता है अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। अप मतलब क्या, फैला देना। अपना लोग पिछला क्लास में पढ़े थे किरण पुंज कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार, अभिसारी, अपसारी, समांतर। अभिसारी मतलब एक बिंदु पर जमा करने वाला, अपसारी मतलब एक बिंदु से फैलाने वाला, जैसे क्या मोबाइल का टॉर्च लाइट, मोबाइल का फ्लैश लाइट। समांतर मतलब समांतर चलने वाला। तो इसलिए यहाँ क्या करता है, जितना भी समांतर किरण पुंज आता है तो चारों तरफ इसको फैला देता है, ऐसे फैला देता है।
ठीक है, एक जगह पर जमा नहीं करता है, फैला देता है, इसलिए इसको कहा जाता है अपसारी दर्द। अपसारी, अपसारी, अप मतलब फैलाना, अपसारी दर्पण। ठीक है, ये क्या करता है, एक बिंदु पर मोड़ देता है, एक बिंदु पर ऐसे करके मोड़ देता है, उधर से जितना भी प्रकाश समांतर आएगा, जितना भी प्रकाश आएगा सबको एक एक बिंदु पर मोड़ देता है, यानी फोकस पर मोड़ देता है, यानी अभिसारित कर देता है, अभिसरित कर देता है, इसलिए इसको कहा जाता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, अभिसारी और अपसारी, अभिसारी क्यों कहा जाता है और अपसारी क्यों कहा जाता है, प्रैक्टिकल अब अपना लोग देखें यहाँ भी। ठीक है, जितना भी किरण पुंज आता था उसको एक बिंदु पर मोड़ दिया जाता था, उसको फोकस कहा जाता था, और यहाँ क्या होता था, फैला दिया जाता, फैला दिया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं कहाँ, रोड में जो लाइट लगा रहता है, रोड के लाइट में आप कर सकते हैं प्रयोग। ठीक है, रोड के लाइट में क्यों प्रयोग कर सकते हैं, रोड में तो बहुत दूर तक लाइट फैलाने की ज़रूरत होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है अपसारी दर्पण। क्यों, क्योंकि इधर से जब लाइट जाता है, यहाँ अगर बल्ब जला देते हैं, यहाँ दर्पण लगा देते हैं, यहाँ दर्पण लगा देते हैं, यहाँ बल्ब जला देते हैं, इधर शीशा लगा देते हैं, इतना दूर क्या होता है, ये बल्ब इधर से टकराया, बल्ब का रोशनी इधर से टकराया और ये चारों तरफ फैल गया, ऐसे ऐसे फैल जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ, सड़क लाइट में। ठीक है, इसका प्रयोग और आगे पढ़ेंगे, जब प्रतिबिंब पढ़ लेंगे उसके बाद इसका प्रयोग और ढेर सारे उसके बाद पढ़ेंगे पूरा पर। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है सड़क वाला लाइट में, यानी स्ट्रीट लाइट में। ठीक है, और इसका प्रयोग किया जाता है शोर कुकर में, आप फनी तरीके से प्रयोग कर भी सकते हैं, कर सकते हैं वो पेंट चलाने वाला। ठीक है, इससे संबंधित जितना भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं या टेलीग्राम पर फोटो खींच के भेज सकते हैं। ठीक है, हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे क्या, प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोलिया दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज का सेवा यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।